हम लोग देखते हैं कि जल प्रदूषण पर बहुत चर्चा गोष्ठी विचार विमर्श, बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, लेकिन वो जल प्रदूषण की समस्या से सिर्फ हम लोग कागजों में लड़ रहे हैं, जमीन पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आज पर्यावरण प्रदूषण और जल प्रदूषण को लेके सबसे बड़ी योजना जो नमामि गंगे योजना आई, जो खासतौर से गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना आई, जो हजारों करोड़ की योजना आई, और हम सब लोग जानते हैं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा अविरल निर्मल रहे, इसके लिए कितने त्याग और बलिदान लोगों ने दिए। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल जी को हम लोगों को सर झुका के नमन करना होगा। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल जी ने जीवन भर संघर्ष किया गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, अविरल और निर्मल गंगा के लिए ने अपना जीवन दे दिया। लंबा अनशन, 100 दिनों से ज्यादा का अनशन किया उन्होंने। लेकिन आज मैं आपको काशी, जिसकी पवित्रता को लेके हिंदू धर्म के लोगों में एक मान्यता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग काशी जाते हैं, काशी के घाट का अपना एक अलग महत्व है, आस्था की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, और हर काशी में रहने वाले व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नमामि गंगे योजना पर उत्तर प्रदेश अकेले में, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां पर आदित्यनाथ जी ने बड़े बड़े दावे किए गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए, जहां पे उनके जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी हैं, इनके देखरेख में जो नमामि गंगे योजना उत्तर प्रदेश में चली, आपको जान के हैरानी होगी, 28,000 करोड़ रुपए का बजट नमामि गंगे में आया, 28,000 करोड़ रुपए का बजट। और जो इस योजना को पूर्ण करने का समय था वो नवंबर 2020 में नमामि गंगे योजना पूर्ण होनी थी, और उसके तहत जितने भी नाले गंगा में जाते हैं, गंगा को प्रदूषित करने के लिए जितने भी तरीके हैं, उसको बंद करके गंगा को साफ सुथरा स्वच्छ बनाना था। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 28,790 करोड़ रुपए में से मात्र 8,352 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाया है। 2020 नवंबर में योजना पूरी होनी थी, 2021 हो गया, छठा महीना चल रहा है 21 का, और अभी तक मात्र 8,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। कर लेते हैं कानपुर की, कानपुर में जहां बड़े जोर शोर के साथ नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी, और वहां पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेल्फी लिया था, ये एशिया के सबसे बड़े नाले को जो गंगा में मिल रहा है, कानपुर के अंदर उसको खत्म करके वहां पे साफ सफाई का दावा करके वहां पे सेल्फी ले रहे थे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और जिस जगह पे वो सेल्फी ले रहे थे, अभी कुछ दिन पहले उनका मैंने एक चैनल पे इंटरव्यू देखा, उसमें वो दावा कर रहे थे कि 14 करोड़ लीटर सीवेज आ रहा था, इसमें सीवर का पानी आ रहा था
कानपुर के गंगा में उसको हमने एकदम ठीक कर दिया, एक बूंद भी नहीं आता गंदा पानी। और ये देखिए जहां वो सेल्फी ले रहे थे, अब उसकी हालत ये है कि नाले के सामने ली थी सेल्फी, वहां फिर बह रही है गंदगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।